नमस्कार। क से कथा, कथा मतलब कहानी। मैं प्रस्तुत करूंगा क से कथकली। क्या झूठ की कहानी है? सच की कहानी है। कुछ सच, कुछ कल्पना है। कहाँ की है ये कहानी? कहानी है केरल राज्य की। केरल में क्यों? अपने ढोलकपुर में क्यों नहीं? क्योंकि कहानी में भीड़ है या नहीं? कुछ धूम धड़ाका है या नहीं? कहानी में भीम तो है ही, गालिया भी है। कहानी शुरू होती है केरल के राजमहल में, जहाँ महाराज चिन्मय का राज था। मेरे प्यारे राज्यवासियों, आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। ये प्राचीन मूर्ति जो हजारों साल पहले हमारे राज्य से लूट ली गई थी, कई सालों की खोज के बाद हम अपने राज्य में वापस ले आए हैं। ये अद्भुत मूर्ति हमारे राज्य का गौरव थी और हमेशा रहेगी। आने वाले उत्सव में इसकी स्थापना वापस की जाएगी। अब इसे हमारे राज्य से कोई नहीं छीन सकता। केरल से हमारे बहुत अच्छे दोस्त महाराज चिन्मय का संदेश आया है। उन्होंने हमें अपने उत्सव में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। महाराज, हमने सुना है कि वहाँ के उत्सव बहुत अद्भुत होते हैं। हाँ, बहुत सुंदर और भव्य भी। हम तो राजपाट के काम की वजह से इतना समय निकाल नहीं पाएंगे, पर हम चाहते हैं कि इंदुमती और तुम सब वहाँ जरूर जाओ। जी महाराज। राजकुमारी इंदुमती और आप सभी का केरल राज्य में स्वागत है। पिताजी ने आपके लिए ये कुछ तोहफे और साथ अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। उन्होंने बताया कि आपके यहाँ महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हाँ, उत्सव के समय लोगों में खूब उत्साह होता है, चारों तरफ खुशी का माहौल बन जाता है। आगे बढ़ो, अभी देखने को बहुत कुछ है। पर उत्सव में इतने सैनिक और सुरक्षा, ऐसा भी हमने पहले नहीं देखा। पहले ऐसा नहीं था, पर अब उस अज्ञात चोर की वजह से हमें अपने उत्सवों में भी सैनिक तैनात करने पड़ते हैं। हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। वहाँ तो देखो कितने सारे हाथी, वो भी इतने सजे हुए। उस्ताद, हम तुम्हारे लिए बाजार से रंग लाए हैं। चलो, कुछ तो अच्छा काम किया इन दोनों ने। रंग लगा कर नाचूंगा तो और अच्छा प्रदर्शन करूंगा। Yeah!
चुटकी, राजू, चग्गू, सुनो सब, चोर यही कहीं छुपा है। मैंने उसे मंदिर के अंदर की ओर आते हुए देखा। हमें उसे ढूंढना ही होगा, जल्दी। ये क्या हो रहा है? महाराज, वो कथकली नर्तक ही अज्ञात चोर है। जी महाराज, नर्तक का भेष बदलकर मंदिर महोत्सवों में जाता है। पर क्यों? महाराज, इसका जवाब एक और प्रश्न है कि ये है कौन? आप खुद ही देख लीजिए महाराज। ढोलू, समय आ गया है कि हम भी अपनी कला का प्रदर्शन करें। गाजा, मेरा भाई, पर क्यों? बस तेरा खेल खत्म। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी। कहिए, कैसी लगी केरल की कथा? खूब। भाई वाह, भीम की सच्चाई 10 में से 10, भीम की लड़ाई 10 में से 10, और भीम की जीत हर बार की तरह बिल्कुल 10 में से 10। और हाँ बच्चों, तुम्हारी केरल की कहानी और कालिया की कथकली को भी पूरे 10 में से 10। है? ये क्या है? हाँ? क्या हुआ राजू, रुक क्यों गए? कुछ नहीं भीम, तुम सब जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। चक्कू, तुम यहाँ कैसे? भीम ने मुझे भेजा है, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा है। मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ रहा हूँ, मैं तो इस पेड़ के फल खाने वाला हूँ, तुम भी खाओगे? लो पकड़ो। बताओ कैसा स्वाद है? बहुत मीठा है। सच्ची? जग्गू, मुझे डर लग रहा है, भीम को बुलाओ, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। जग्गू, तुम अकेले कैसे आए हो? राजू कहाँ है? राजू मुसीबत में है। भीम, भीम, तुम आ गए, देखो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। भीम, इस पेड़ से मैंने एक फल खाया और मैं अब सुन नहीं पा रहा हूँ, कुछ करो ना। इस पेड़ पर तो पत्तियाँ हैं ही नहीं। मूर्ख बच्चों, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम अगर मुझे काट भी दोगे तो मैं फिर रुक जाऊंगा। तुमने मेरे दोस्त को बहरा कर दिया है। अच्छा, पर तुम अपने दोस्त को ठीक कर सकते हो? अच्छा, बताओ कैसे? अगर उसे ठीक करना है तो तुम्हें मेरी डालियों पर से सारे फल खाने होंगे। हाँ ठीक है। भीम, ये लो। वैसे स्वाद में तो बहुत अच्छा है। भीम, क्या हुआ? तीनों फल दे दो जग्गू। शाबाश बच्चे, शाबाश। हाँ,
क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो लड़के? हाँ, मैं सुन सकता हूँ भीम। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम पेड़ कैसे बने? मैं तो जंगल में एक जड़ी बूटी ढूंढ रहा था कि मुझे एक बड़ा महल दिखा। मुझे लगा कि उसमें कोई नहीं रहता था, पर वहाँ एक चुड़ैल ने मुझ पर हमला किया और मुझे अपने जादू से एक पेड़ वाला राक्षस बना दिया। ओह! पर तुम्हारा जवाब नहीं भीम, अपने दोस्त के लिए तुमने क्या बहादुरी दिखाई है। दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। हाँ यार भोलू, अच्छा होता ना कि हम एक फल कालिया को खिला देते। हाँ, हम फिर कुछ भी कहते और कालिया को कुछ सुनाई नहीं देता। अच्छा, तो तुम दोनों ये सोचकर मुझे यहाँ लाए थे? हाँ, तुम दोनों को तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। रुको रुको, रुक जाओ। ड्रॉ का प्राइज जाता है इंदुमती को। कितना मजा आया। देखो वहाँ उस तरफ कुछ हल्की रोशनी दिखाई दे रही है, वहाँ चलकर देखते हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ बिरानी में? अंदर जाकर पूछते हैं, शायद हमें कोई वापस ढोलकपुर का रास्ता बता सके। सुनिए सुनिए, क्या आप हमें यहाँ से ढोलकपुर का रास्ता बता सकते हैं? ट्रेन पर चढ़ जाओ। ट्रेन? यहाँ तो कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही। ट्रेन ढोलकपुर स्टेशन पे रुकेगी? ट्रेन पर चढ़ जाओ। मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी। आगे कौन सा स्टेशन है? टूटा पुल। लगता है उसने हमारा सवाल ठीक से सुना नहीं। किसी और से पूछते हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं ये ट्रेन अब कहाँ रुकेगी? ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। टूटा पुल? मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी। हमें भी। और हमें ट्रेन में बैठे कितना टाइम हो गया, पर स्टेशन अभी तक नहीं आया। हाँ, ट्रेन से उतरना ही ठीक रहेगा। देखते हैं ट्रेन रोकने की चेन कहाँ है। एक बार जो इस ट्रेन पर सवार हो जाता है वो कभी उतर नहीं पाता। हमें ट्रेन रोकनी होगी। ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। ट्रेन के इंजन के पास चलते हैं, शायद वहाँ जाकर हम ट्रेन को रोक पाए। चलो। ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। Thank you.
ट्रेन नहीं रुकेगी। राजू को तो देखो। क्या हुआ, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। ये देखो। जग्गू तुम भी ना। चलो बाहर आओ। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी। ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। उस्ताद, वहाँ कोई है? क्या? अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना। ठीक है उस्ताद। अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान? ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू फुलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सब्र करो चुटकी, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। क्या किसी ने वो आवाज सुनी? लगता है उस कमरे में कोई है। ये जादुई समुद्री लुटेरे हैं जो तस्वीरों में छुपे हुए थे और ये सिर्फ रात में बाहर आते हैं। यही मौका है इन्हें पकड़ने का। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। इससे अच्छा तो हम पिछली बार की तरह सो जाते। मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? और सारी तस्वीरों में से खजाना भी गायब है। वो रहे बच्चे,
हो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। मुसीबत से नहीं महाराज, तस्वीर से। इस भीम को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी। मुझ पर गुस्सा निकालने से भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर भीम से बदला लेना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा, ठीक है? बहुत अच्छे। ऐसा जबरदस्त ढोलक तो मैंने कभी नहीं सुना। आपके हाथों में तो जादू है जादू। राजकुमारी, पर जादू तो इस ढोलक में है। ढोलक बजाने की अनुमति दी। अनुमति कैसी? ये ढोलक आपके पूर्वजों ने ही हमारे पूर्वजों को तोहफे में दिया था। और जानते हो बच्चों, हमारे पूर्वजों को इस ढोलक का संगीत इतना पसंद आया कि उन्होंने राज्य का नाम ही ढोलकपुर रख दिया। मुझसे ज्यादा हुनर तुम्हें पूरे ढोलकपुर में कहीं नहीं मिलेगा। इसका पता तो एक ढोलक प्रतियोगिता से ही चल सकता है। ठीक कहते हो भीम। ढोलकपुर का सबसे अच्छा वादक ढूंढने के लिए हम एक महाप्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और जीतने वाले को शानदार इनाम देंगे। सैनिकों, सारे ढोलकपुर में इस प्रतियोगिता का ऐलान कर दो। ये! भीम, भीम, भीम! ढोलकपुर का ढोलक है सदियों पुराना, जो उसे बजाकर करेगा महाराज को प्रसन्न, मिलेगा उसको सम्मान और ढेर सारा धन। भीम, तुम्हें भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। अगर इनाम में लड्डू मिल रहे होते तो शायद मैं हिस्सा लेने के बारे में सोचता। और फिर मुझे ढोलक बजाना आता भी तो नहीं। राजू, तुम हिस्सा क्यों नहीं लेते? भीम, मुझे भी मचाने मैं फिर से आऊंगी। हाँ। पर मैं तुम्हें वापस आने का मौका नहीं देने वाला। अगर हम यहाँ फंसे हुए हैं तो तुम भी अपनी ही जाल में फंस चुकी हो। हाँ? मैं यहाँ फंसी हूँ पर मेरा भाई बर्फीला दानव अब तक ढोलकपुर की कुल्फी जमा चुका होगा। बर्फीला दानव? हमें यहाँ से बाहर निकालो अभी। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। राजू, तुम सबसे आगे चलो। ढोलकपुर उस तरफ है। हाँ,
मुझे धमकी दे रहे हो? ये तलवार मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकती। वो देखो, उस तरफ मुझे रोशनी नजर आ रही है। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर पहुंचना होगा। बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। रुक जाओ भीम। भीम, तुम्हारे वार का इस बर्फ पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले दानों का जादू तब ही पलटा जा सकता है जब वो खुद अपने ही जादू में कैद हो जाए। पर मैं उसे उसी के जादू में कैसे कैद करूँगा? ये लो भीम, इस ढाल से तुम बर्फीले दानों का जादू उसी पर पलट सकते हो। अब जाओ और रक्षा करो ढोलकपुर की। फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते। मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे? तुमने तो इन चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू। ओह